तो ऐसा है आपने हमें बताया आपने बोलता एक स्त्री आएगी यहाँ तो बहुत सारी स्त्रियां आ गई हैं लेकिन हमको इसमें से अपनी वाली को ढूंढना है तो देखो उन्होंने हट गए प्यार से बोलो सब हो जाता है तो अपनी वाली को ढूंढना है मुझे बोल के कही थी दिल से याद करना तो मैं आ जाऊंगी नाम तो बताया भी नहीं था तो कौन सी वाली है जानते हैं क्या वो ढूंढ पाते बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं था ना इस स्त्री का बजट ज्यादा है बाकी स्त्रियों से कैसे हो आप सब यार हम सब तो बहुत एक्साइटेड है और बहुत नर्वस भी है एंड ये फिल्म हम सब के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तो देखें साथ में ट्रेलर बिल्कुल चला दे देख ही लेते हैं साथ में 6 साल लग गए हमें बनाने में आप लोग एक्साइटेड हैं तो 3-2 का ट्रेलर चलाए आप सब आ जाइए नीचे थैंक यू सो मच अभी जो है असली स्त्री के आने का टाइम हो गया उससे पहले फोटो आगे बढ़ने से पहले स्त्री का ट्रेलर देखे या कुछ हो लेडीज एंड जेंटलमैन आज का मोमेंट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत साल पहले जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स ने हॉरर कॉमेडी जॉनर की जो शुरुआत इस देश में है की थी स्त्री के साथ और आज हम इस मोमेंट पे है जहाँ पर वी हैव स्त्री 2 का ट्रेलर लॉन्चिंग मीडिया क्वेश्चंस आई एम श्योर यू हैव लॉट्स ऑफ देम वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शूट आउट योर क्वेश्चंस आल्सो टेल अस योर नेम एज यू आस्क योर क्वेश्चन ज्योति मीट मिस्टर विशाल अंबानी एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि स्त्री वन के एक सीन में काफी सारी चीजें हो गई थी आपने रियल भूत को भी महसूस किया था स्त्री 2 में ऐसा कुछ हुआ था ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसा चीजें आपने कुछ महसूस की थी यार बच गए इस बार हम नहीं स्त्री 1 में जरूर हमने ऐसा महसूस किया था पर स्त्री 2 की शूट पे तो आई थिंक इस बार जो हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि वो वाकई में बहुत एक्चुअली हमने अमर को बोला भी था क्योंकि हमने कुछ दिन शूट किया था हम जब बात करते कि सरकटा सरकटा फिर हम वो आए कुछ दिन बाद शूट पे 10 दिन बाद तो हमने अमर को बोला वापस रीशूट करें बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है सरकटा क्योंकि फिर और ज्यादा डर लगता उनको देख के बट हाँ वो हुआ था उसके अलावा कुछ ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बट फिल्म अपने आप में आप देखेंगे तो ऑफकोर्स जैसा कि स्त्री 1 भी थी कि 80% कॉमेडी है 20% थोड़ा हॉरर है लेकिन उसमें भी हम आपको हंसाएंगे तो वैसा ही है जी मेरा सवाल श्रद्धा जी से है श्रद्धा जी जी हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अब तक लेडी डॉन का भी किरदार निभाया और आपने रोमांटिक भी भूमिकाएं निभाई और हॉरर भूमिका में भी अब आप आई हैं तो आपको इन सारे जो अपने रोल प्ले किए कौन सा रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगा दिल के करीब कौन सा रोल है आपकी ऑडियंस बोल कर सकती हूँ एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है
आई थिंक एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं. तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है. ईच कैरेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी आई फील. तो इवन वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी. एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू गाइज वुड चूज अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? And आरोही फ्रॉम आशिकी. यस. कौन सा? तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस. और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है. तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट. पंकज सर, यूथ सेंटर. राहुल फ्रॉम द फैमिली पिक्चर. फर्स्ट स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, वो स्त्री कलाना. क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कलाना या मत आना, क्या किस तरह का रिएक्शन होगा? बहुत साल पहले उनकी जो स्त्री थी वो आ चुकी है, वो वही रहेंगी जिंदगी भर. आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, अभी जाना होता है वापस. बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार नाम को जस्टिफाई कर रहे, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ तो ट्रेलर में भी है ना वो, क्या अब लगे ना असली राजकुमार. श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद जब स्त्री आई है तब बने असली राजकुमार. कि ये दोनों फिल्में चली और स्त्री, हम सब बहुत एक्साइटेड स्त्री को लेकर. आई थिंक मेरी माँ की दुआएं हैं और ऑडियंस का प्यार है. ये ऐसा हो रहा है. दिनेश सर, हाय. आकृति यू फ्रॉम बॉलीवुड बबल. माय क्वेश्चन इज टू यू सर, अभी जरा हट के जरा बच के आई. इवन टीवी मौज वाज अ हिट एंड मुंजा डेफिनेटली वी हैव सीन. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद स्त्री टू? माय एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आई थिंक इफ दैट्स द केक, दिस इज द चेरी ऑन द केक. If that's the cake, this is the baker. Jyoti? Hello? This side. Hi, this is Anna from Bollywood Society. My question is for you. Shree 2 release ho raha hai Independence Day ke din. Aur jo weekend mein release ho raha hai, wahan par aur 2 big films bhi release hone wali, clashes hone wala hai. To Shree 2 se kya kuch expectations hai? In spite of knowing the fact that Shree was a super hit in 2018. See, whenever a film is ready to clash, that means we are coming with the feeling ki jo jeeta wahi Sikandar. So we are super confident. And see, on a lighter note, साल में जितने 52 weeks हैं, श्राद्ध में हम नहीं आते, IPL में हम नहीं आते, रमजान में नहीं आते, फिर कोई एक खादा खान आ गया तो हम नहीं आते, एक खादी बड़ी साउथ फिल्म आ गई तो हम नहीं आते. बच्चे 20 वीक क्लैश तो होगा ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जंगल लॉ. प्रियंका फ्रॉम बॉलीवुड फिल्म रिव्यूज. सो यू जस्ट सेड दैट द डॉन स्टिल एग्जिस्ट इन यू, सो डज द स्त्री, द भूतनी इज स्टिल देयर अराउंड? एंड व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू वर डूइंग इट? डिड यू योरसेल्फ फील सम नेगेटिव एनर्जी? कुछ एक्सपीरियंस था आपका वन एंड टू दोनों में? इज द भूतनी एंड मी? या मनोज यार, आई विश, बिकॉज जो भूतनी के सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत कमाल होते हैं. तो आई विश कि यू नो जो भूत कर सकते हैं वो उड़ सकते हैं और सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती. लकीली एज एन एक्टर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, आपको वो रिग विग पे डाल के ना उड़ाते हैं सेट पे, तो वो भी फीलिंग आ जाती है. तो पर नहीं यार, मतलब सुपर पावर्स तो. I wanted to ask, those negative shades, do you possess? Do you think you have them in you? Who says they're negative? I mean to say, those super powers.
वो पूछ रहे हैं आपने कभी अपनी चोटी से किसको रियल लाइफ में मारा है क्या? अब वो पूछ रहे हैं have you ever done some evil in life? See this choti has done is a खतरनाक one in this one. ये चोटी मतलब इससे अगर आपको पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगेगी आपको. तो आई विल से कि मजा आया एज यू सॉ इन द ट्रेलर. इसको ये करने में बहुत थैंक यू इलेक्ट्रिक 20,000 वॉट की चोटी है ये. हेलो हाय फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस व्हाट अ फैब ट्रेलर एवरीवन इज सो थैंक यू थैंक यू एंड कुडोस टू द टीम एंड कुडोस टू अमर सर बिकॉज़ 3-1 वाज अ मैसिव हिट एंड नाउ 3-2 आई जस्ट वांट टू आस्क यू लाइक 5 लॉन्ग बोल यस सेम टीम हाउ इज द फीलिंग हाउ डू यू फील राइट नाउ एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर सच अ लॉन्ग वेट बट व्हाट आई कैन सी आई कैन एनविजन अ मैसिव हिट कमिंग योर. So, as you know, as your friend, as everyone knows, Stree was my first film. And जब मैं आया ही था मुंबई कि एक फिल्म बनानी है. Hello. My question is for you. सबसे पहले तो I want to congratulate for Mundra and Stree. And my question is that can you tell us something more about the horror universe? You have to watch the film. But something that we don't know. Something. So I'll tell you, Stree 2 is like the mothership. It answers a lot of questions that Stree 1 raised. It also tells you what the connections are. What will come next after Stree would be a film called Thama, which we'll tell you a little bit later about. We've already written Stree 3, so the gap will be less. So give it a lot of love. One thing I can tell you about Stree is it is bigger, madder, crazier. The trailer is only 10% because you know it has a lot of visual effects in it, and you know we want to leave that for the theater. But if you come in, I think it is Maddox's most paisa vasool film. So if you come to the theater for 2 hours 20 minutes, I think we will see popcorn fly. That's how sure we are. So let's hope you enjoy it because we've enjoyed making it. हाय नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर. पहले तो पूरी टीम को बहुत बधाई. ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है. स्त्री वन से भी बहुत अच्छा है ये ट्रेलर. और मेरा सवाल आपके लिए होगा, ये अमर जी 6 साल हो गए इसको फिल्म को. जब ये रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट रही थी और एक बस बना हुआ था कि स्त्री 2 आएगी. बहुत सालों का लंबा इंतजार रहा है. क्या एक बड़ी वजह रही है कि आपको इतना समय लग गया इस फिल्म को बनाने में? नहीं, वही मैंने अभी बोला ना, जैसे कहानी हमको सिर्फ बनानी नहीं थी कि हमको चल गई है तो दूसरी फिल्म बना दें सिर्फ क्योंकि चल गई है. हमको ये था कि हमको परफेक्ट कहानी चाहिए, परफेक्ट स्क्रीन प्ले चाहिए. वही और मतलब ह्यूमर से लेके हॉरर से लेके एवरीथिंग शुड गो 1 notch up 2 notch up. तो उसमें ही टाइम लगा है. उसके बीच में और यूनिवर्स भी गढ़ रहा था साथ साथ में. हमने जो लिखी है तो उसको आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, ये कहानी कैसे जुड़ेगी, तो बहुत चीज़ें करने में हमको टाइम लगा. तो आपको पता चलेगा जब फिल्म देखेंगे, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है. को कोविड भी हो गया था. सो थैंक यू सर. बट अच्छा है ना, ज़्यादा इंतजार का फल मीठा होता है. हाँ, बहुत अच्छा और डरावना फल मिला. हाँ अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है. अभी तक आप साइलेंट बैठे, लेकिन फर्स्ट फिल्म में आपने काफ़ी धमाल किया था, राइट? और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप क्या कुछ अलग अनोखा कर रहे हैं और कितना कुछ आपका पागलपन रहने वाला है. अभिषेक जी, नहीं, आई थिंक जना काफ़ी मैच्योर हो गया है और बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है. हाँ अमर भाई, ही इज नाउ अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर, ही इज नाउ स्मार्टर. कुछ भी बदला है, आई थिंक मतलब इन 6 सालों में जना की बुद्धि में बिल्कुल भी कोई क्या बोलते हैं फर्क नहीं आया है. वैसा का वैसा ही है. आई थिंक और ज्यादा गधा हो गया मुझे लगता है. और IAS की तैयारी कर रहा है, दैट्स वन थिंग जो आप लोगों ने भेड़िया में भी देखा. तो ये तुमने बोला ये बड़ी कुर्सियां रखने को जाना? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला सर. ये किसके लिए? सरकटा. ये सरकटा के लिए. जय सरकटा के लिए. और
वो यही है. अच्छा स्त्री वुड नॉट बी स्त्री विदाउट द म्यूजिक. एंड व्हाट इज गुड इन स्त्री टू इज दैट इट इज ऑल न्यू सॉन्ग्स. देयर इज नो रिहैश ऑफ देयर ओन सॉन्ग. हमने हमारा भी रीमेक नहीं किया. ये सब पार्ट ऑफ फिल्म पे ऑलवेज आई मीट विद द सचिन जिगर. कम कम वीरेन भाई आप ही आ जाओ. आओ आ जाओ. अभी आपको सचिन जिगर हमारे पहले वाले गाने की एक दो लाइन सुनाएंगे. वो है लड़की की आवाज में. कमाल जगह इन डू इट. ये सरकटे की सीट पे कौन है? पहले पहले तुम इधर आ. मैं बैठो. तू इधर आ. मैं उधर. सचिन इधर आ. मैं तेरे बिना नहीं गा सकता. तो पहला पहले गाने का नाम क्या है सर? कौन सा रिलीज कर रहे हैं? कॉमेडी और हॉरर. उसके बाद कई सालों बाद स्त्री मूवी आया जो कि कॉमेडी प्लस हॉरर था और काफी हिट हुआ. अब स्त्री टू आया है और आपका पहले आपकी मैडो फिल्म में मुंजा आया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले लोग सोचते थे कि हॉरर है तो काफी डरावनी मूवी होगी, लेकिन अब आप लोग उसमें कॉमेडी भी ला रहे हो. तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है अब हॉरर में जो आप कॉमेडी दिखा रहे हो? क्योंकि हॉरर पहले लोगों का कॉन्सेप्ट माइंडसेट एक अलग ही था, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो उसके लेकर आपका क्या होगा? मैं आपको ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, मैं हॉरर देख नहीं सकता. तो मैंने कॉमेडी डाली है कि मैं देख सकूँ. और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो क्लीन हॉरर देख नहीं सकते. तो इसलिए बनाई हमने. और अगर बात करें इसकी स्क्रीन राइटर स्क्रीन प्ले की स्क्रीन राइटिंग की, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है कि हॉरर प्लस कॉमेडी में कोई डायलॉग? उन्हें देखी है वो दोनों हॉरर और कॉमेडी साथ में दिखते हैं. बहुत मुश्किल काम है, मतलब टाइट रूप पे चलने जैसा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इधर हो गए तो गिर जाएंगे, थोड़ा इधर हो गए तो गिर जाएंगे. तो इट्स टफ, बट टीम मेन इसमें इम्पोर्टेंट है. मतलब स्क्रीन प्ले एक ही पार्ट है उसका, ये चार पिलर पे खड़ी है. जो लाइन डायरेक्ट करता है, जो बोलता है, जो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें अगर सेम हुई तभी जाके वो कॉमेडी बनती है. श्रद्धा मैम, जिस प्रकार आज आपका अटायर है, लुक है, इधर इधर आपका लुक है, और जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो, ये तो अभी का था, तो लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे. वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी. और इस बार स्त्री का बॉयफ्रेंड भी आया ना सरकटा, तो आप थिएटर में देख लीजिए क्या शादी होती है. बैठ जाओ, बैठ जाओ. अरे यार, ये हटा रे इसको. पंकज जी, लव यू. आपने आने वाली तीन फिल्मों की जो तारीख चुनी है वो बहुत ही शानदार है, चाहे वो इंडिपेंडेंस वीकेंड हो या फिर दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो, लेकिन इन तीनों फिल्मों के साथ कहीं ना कहीं और बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. चुनते समय इन तारीखों को क्या ध्यान में रखा? किस तरह का कॉन्फिडेंस के एक तरफ आमिर खान की फिल्म होगी आपके क्रिसमस के मौके पर, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस इन तारीखों को चुनते समय आपके दिमाग में था? सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर किया था कि इतनी सारी वीक्स तो है ही नहीं क्लियर. एक साल में 20-30 हफ्ते रहते हैं और इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, नॉट जस्ट हिंदी बट मराठी भी बन रही हैं, पंजाबी भी बन रही हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बन रही हैं. तो हम अपनी कंटेंट को लेके एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं. अगर अगर वी कैन बैक द प्रोडक्ट, हॉलीडे वीकेंड में मैक्सिमम यू नो एटलीस्ट 2-3 पिक्चर आ ही सकती हैं साथ में. तो आई थिंक हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारी पिक्चरों को लेके. एंड ये क्लैशेस जो टॉपिक है, अमिताभ का KBC तो नहीं है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर लिया या रुमाल डाल दिया और वो डेट किसी का हो गया. वो एक कैलेंडर है और उसमें जितनी पिक्चरें जिनको आनी है, जिनको समझ में आती है कि वो पिक्चर वो डेट पे आ सकते हैं, वो आ सकते हैं. हम हमारी डेट्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं. Yeah.
आपने पिछली जो फिल्म की थी श्रीकांत, आपकी काफी बढ़िया फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था इंक्लूडिंग मी। करेक्टर में एकदम आप घुस जाते हैं, ये तो पता चलता ही है, तो ये इंस्पिरेशन आप कहीं से लेते हैं कि खुद खुद को बार-बार लेते हैं आईने के सामने ऐसा कुछ करते हैं या कोई इंस्पिरेशन? आईने के सामने तो मैं बिल्कुल लेता हूं आपको। वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम भी मतलब उसका भी, उसके अलावा नहीं। बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है। श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट यू नो श्रीकांत अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है, वो किया था। पर फिर जहाँ पे विक्की की बात आती है स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट इस अवार्ड ने कहा विक्की प्लीज बात तो करो, I love you too guys. तो it's about more about having fun, जैसे अमर ने बताया कि हम सेट पे जाके of course character समझ आ गया है, language आपने पकड़ लिया है, body language क्या वो सब कुछ आपके दिमाग में है, but then it's more about just being in the moment and having fun in the scene. जो I think आप देखेंगे इस फिल्म में, I think जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल गई है इस फिल्म में। असली प्यार तो हमारे बीच में। माई क्वेश्चन इज फॉर सचिन जिगर सर। सर जैसा कि आपने देखा कि स्त्री वन में भी काफी जो म्यूजिक थे सॉन्ग था काफी ट्रेंडिंग पर आया था, और स्त्री टू बोल रहे कि हॉरर कॉमेडी जॉनर को रीइन्वेंट किया, ऑफ कोर्स किया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर यूनिवर्स इज दैट इट डजंट हैव अ टारगेट ऑडियंस, एवरीबॉडी इज द ऑडियंस फॉर अ फिल्म लाइक दिस। क्या बात है, No, but genuinely I mean it, because I watched Munjia with my niece who's 12, and I watched Munjia this the same film with my mother, and I think three of us enjoyed it. Three of us enjoy the world that you create through your films, through your projects. But yes, Stree was one of those films jisne na jisme bahut sare memes aaye the. Aap logon ne memes dekhe hain, padhe hain? Because there were so many of them, like of course Vicky Please is one of the memes. Another one was Pankaj sir, आपके बारे में एक meme आता है, आए जाता है कि आपके हर पुर्जे में acting है, आप ऐसे हंस भी दो, ऐसे भी कुछ कर दो, तो उसमें भी acting है। How do you react to such memes and such compliments actually? नहीं, मैं meme बनाने वालों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत क्रिएटिव, पहले मुझे लगता था कि काफी खलिहर लोग हैं, फ्री मुझे लगा कि नहीं बहुत क्रिएटिव लोग हैं। Also Raj, I want to ask you this, because you've always been a fantastic performer, but Stree was that film, like he said, that was one of the first for many of you, first for you as well, which actually put you on a commercial map. Suddenly the industry started looking at you like a superstar, which you are, which with your acting you've always been that. Do you think that this was that film that changed people's, especially the industry and producers, a perception of you? Look, for sure, I think Stree is certainly right on top, but I would also say Bareilly Ki Barfi also did that part. I think Dinu, I remember, because we were thinking about Stree and Dinu saw Bareilly Ki Barfi and he's like, "Are Raj to comedy bhi karta hai?" Because before that, I was doing mostly dramas. So I think Bareilly put me in that different avatar where people saw me in doing something different from what I was doing earlier. But Stree definitely put me right on top there, because it was a big blockbuster. It was the first, as Amar and Dinu said, it was the first for most of us sitting here. But I'm forever grateful to Stree. I think it has, and not only this Stree. I think मैं ये बहुत बोलता हूँ, बहुत फिल्मी डायलॉग है, पर हर मेरे जैसे शाहरुख सर का डायलॉग है कि हर इंसान की, हर मर्द की जिंदगी में तीन स्त्रियों का हाथ होता है, तो मेरी जिंदगी में भी है स्त्री, मेरी माँ स्त्री और मेरी पतरलेखा स्त्री और दुर्गा माँ स्त्री। Thank you and माँ क्या बना चो? है पौने देखा हुए? Thank you so much. बालू जी है, बालू ही देखो। ভালো তুমি কেমন? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ডাবল ভালোবাসি। বাট শ্রী বেঙ্গল মে গাইস সেট নেই হ্যায়, শ্রী চন্দেরি মে হি অভি ভি। বাবা তো চিন্তা করতে কবিতা বলো। এ মনো। বলো বলো। বলো না বলো। এ মনো। এ মাইক দে।
पंकज जी को भी समझ आती है, उनकी भी अर्धांगनी जो है वो बंगाली, और ये तो खुद बंगाली उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा जो बोल ठीक है तो पौरे पौरे चलो हमारे पास भी है Fantastic. कुबरा फूले फूले नू नू ये पुणे छे लाता था। What? उसने डाटा है घोड़े गया छे गास का। और आमी डालेर पड़े शूके लिखे ची। क्या भी चाहते हैं? कॉबे आश भी। कॉबे तो छुट्टी। चीची का तो खत्म करेगी तो सिटी वाला। कितने क्वेश्चन के वाला? क्वेश्चन नहीं है शायरी है। एक तो भालो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दारू दारू खूब दारू थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी स्वीट थैंक यू थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।